तो थर्ड हमें गिवन है, फंक्शन एफ इज कांस्टेंट फॉर एन इंटरवल इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी। अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू सी है देन वी विल से दैट द फंक्शन इज कांस्टेंट। अब फर्स्ट हमें गिवन है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई दैट, आप जरूरी नहीं है कि इसमें ये वाला कंसेप्ट लगाओगे, इंक्रीजिंग के लिए यू कैन चेक एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। अब एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 17x+3 ऑन आर। On all real numbers, so the options are function is increasing, decreasing, constant, neither increasing nor decreasing. Abhishek, why? देख के कैसे पता लग गया? मुझे तो नहीं पता लगा। हाँ जी, क्या आएगा? 17. Derivative लिया आपने, 17 आ गया। Since this is greater than zero, तो function is increasing. Second question, e to the power minus 4x, same options हैं। मोहक, e to the power minus 4x, what will be the derivative? हाँ, माइनस फोर ई टू दी पावर माइनस फोर एक्स, दिस इज नेगेटिव। ई रेस टू पावर कैन नेवर बी नेगेटिव, हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, यानी कि एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो मीन्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग। नाउ द नेक्स्ट वन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 43, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 43, कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया ये, तो दिस इज ऑप्शन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंट नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इसमें हमें गिवन था फंक्शन एफ इज कॉन्स्टेंट फॉर एन इंटरवल इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर। अब अगर मुझे फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 43, तो एक्स की मैं यहाँ पे जो मर्जी वैल्यू डालती जाऊं द आंसर विल बी ऑलवेज 43, सो दिस इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन बेस्ड ऑन योर जो भी आपको केस स्टडी गिवन है, दिस इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट वन, ई टू द पावर मॉड एक्स ऑन माइनस इंफिनिटी टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर मॉड एक्स फॉर माइनस इंफिनिटी टू जीरो। अगेन द ऑप्शंस आर सेम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंट नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। आपको एक्स गिवन है माइनस इंफिनिटी टू जीरो, इज देयर एनी नीड टू फॉर्म द केसेस? हाँ, तो क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, इसको रीराइट करोगे क्योंकि x की वैल्यूज आपको गिवन है माइनस इंफिनिटी से जीरो, यानी कि x की वैल्यूज सारी क्या है? नेगेटिव। और यहाँ पे मॉड गिवन है, तो ओवरऑल रिजल्ट को पॉजिटिव बनाने के लिए जब हम इसको रीराइट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा? माइनस x। ये नेगेटिव साइन आपने लिया, x बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी टू जीरो, तो जब यहाँ पे आप x की नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो माइनस इंटू माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस, जो आपको ये वाला रिजल्ट दे रहा है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स। क्लियर? तो अब आपका फंक्शन क्या बन गया? ई टू द पावर माइनस एक्स, सो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव? माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, अगेन ई रेस टू पावर कोई भी नंबर है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, दैट विल नेवर बी नेगेटिव। सो ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखोगे तो दिस इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो तो मीन्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग। आदित्य, नाउ द नेक्स्ट वन, e टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ x ऑन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अभी ये माइनस इंफिनिटी टू जीरो था, अब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। एट माइनस कर लेना,